बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरा इस्लाम। समराज किचन से एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। फ्रेंच स्टाइल फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, चलिए इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे 2 अंडे। इसको हम हल्का सा बीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप मेरे इसके हिसाब से ले सकते हो। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है, इसको हम अच्छे से एक दफ़ा बीट कर लेंगे। बहुत ही यमी से बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट हो जाता है। एक दफ़ा आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। इसको अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं इसमें। दूध की मलाई ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सब अपडेट्स मिलते रहें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड के 3 स्लाइसेस। इसके किनारों को मैं कटिंग कर लूँगी ताकि ये देखने में और भी ज़बरदस्त लगेंगे, और जो इसके किनारे हैं इसको मैं ब्रेड क्रम के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। ये मेन स्टेप है, आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि यही मेन स्टेप है जिससे हमारे ज़बरदस्त से बनेंगे फ्रेंच स्टाइल फ्रेंच टॉस। अब इस मिक्सचर को एक दफ़ा हम फॉक की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे और फिर हम इस बाउल में डालेंगे। इसमें हम सब मिक्सचर नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसको सब तरफ फैला देंगे और ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर अच्छे से हम इसकी कोटिंग कर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी तरह मैं तीनों पे लगा दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में मैं ऐड कर रही हूँ बटर। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी, और नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, हाई पे नहीं, लो से थोड़ा सा ज़्यादा वाली जो फ्लेम आप कह लो उस पर। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। उसको हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें एक तरफ से होने लग गया है, तो मैं इसको साइड चेंज कर देती हूँ और दोबारा से इसको कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। दूसरी तरफ को भी हम ऐसे ही पका लेंगे। ये आप देख लें कि कितना अच्छा सा कलर आ चुका है दूसरी तरफ भी, और हम इसको ऐसे करेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शुगर सिरप लगाऊंगी ताकि ये क्रिस्पी सा रेडी हो जाए। सिंपल मैंने थोड़े से पानी में 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की थी और उसको पिघला लिया था, और अब हम इसको यहाँ से पकाएंगे और इसके ऊपर से भी लगा देंगे हम ऐसे ही। फ्रेंच स्टाइल फ्रेंच टोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही यमी सा बना है ये, और फ्लफी भी है, ये आप देख लें कितना सॉफ्ट सा लग रहा है ये। मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। ये आप देखेंगे कितना जबरदस्त लग रहा है ये, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सा है ये। आप देखें, अक्सर लोगों को क्रिस्पी सा पसंद है, तो आप इसको कटिंग करके इसको एक दफ़ा से फिर से फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया है। जैसे मैंने पहले इसको फ्राई किया, आप इसकी साइडों को ऐसे ही इसको फ्राई कर लें तो ये साइड से भी क्रिस्पी सा बन जाएगा। ये मैंने खास आप लोगों को बना के दिखाया है ताकि अगर आपको वैसे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते हो, लेकिन इसके सॉफ्टनेस में ही मज़ा है। फ्रेंच स्टाइल फ्रेंच टोस्ट हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।